में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। छत्तीसगढ़ के चिरमरी नगर में स्मृति कबड्डी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हीरागिर मैदान में 29/10/2019 को किया गया था, जिसमें क्षेत्र की 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें हर टीमों ने अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपना फाइनल तक का रास्ता बनाने की कोशिश में जी तोड़ कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में पौड़ी एवं गोदरी पारा की दो युवा वर्ग की टीमों ने फाइनल तक का रास्ता तय किया, जिसमें गोदरी पारा की टीम को विजय हासिल हुई। इस संबंध में हमने विजेता टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को हमारे ही यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। हम लोग कई और स्थानों में विजय हासिल किए हैं और भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में हमारी टीम लगी हुई है ताकि हम और अच्छे खेल का प्रदर्शन कर सकें। कवर के क्षेत्र पर उठाकर खेला है और चार रन बटोरे बल्लेबाज बाबू ने, लेकिन ऐसे एक दो रन और सस्ते में निकल जाती है तो कहीं ना कहीं पौड़ी की टीम थोड़ी दूर हो जाएगी सागर इस लक्ष्य से, तो ऐसे चौके लगाने पड़ेंगे बीच बीच में। जी बिल्कुल, इस बार स्टेपर जो तालमेल में हल्की सी गड़बड़ी जरूर अगर डायरेक्ट हिट होती तो वापस जाना होता बाबू को, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती हुई। फिलहाल एक रन पूरा कर दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ स्मृति कप का। इस बार एक प्रहार पर सीधा खिलाड़ी मौजूद है वहां पे बबलू, कोई डर नहीं। इस बार अच्छी गेंद तेज गति की गेंद का मान दिया, धीरे हाथों से खेला और एक रन प्राप्त करेंगे। और मौसम भी बिल्कुल धीरे धीरे शाम ढलता हुआ, ठंड थोड़ी बढ़ती हुई, ऐसे में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन तो जरूर होता है। इस बार अच्छी गेंद की गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज बाबू ने, पर असफल रहे। इसी बीच ओवर की समाप्ति से इनिंग के तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रस्सी पौड़ी का स्कोर जा पहुंचा 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद। हेलो, क्या नाम है? ये क्रिकेट प्रतियोगिता कब से शुरू हुई थी? 29 तारीख से टीम भाग ली इसमें, 16 टीमों ने भाग लिया था। हाँ, आपके जीतने का क्या कारण है कि आपने इतनी टीमों के हराते हुए फाइनल तक पहुंचे, इसके जीतने का क्या कारण है? हमारी टीमों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने अच्छा मेहनत किया और अच्छा खेले, जिससे आज फाइनल पहुंचे और हम लोग फाइनल भी जीते। आप कहाँ से हैं? गोदरीपारा यानी चिरमिरी से। हाँ, गोदरीपारा चिरमिरी। आपका नाम? मेरा बंटी दास। आप ये बताइए, आप तो जीत तो लिए हैं, है ना, आगे आपकी क्या सोच है, आपकी टीम को आगे जाने के लिए क्या आपने क्या सोचा है? और कड़ी मेहनत करेंगे और अच्छा खेलेंगे और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट जीतेंगे और चिरमिरी का नाम रोशन करेंगे बाहर जा जाके भी। आप अभी तक कहाँ कौन कौन खेल में भाग लिए हैं? अधिकतर तो हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। हाँ, और यही है। आप कहाँ तक गए हैं? टेनिस लेवल में बस ऐसे ही खेलते हैं, बड़ी बड़ी जगह टूर्नामेंट जाके बाहर जाके। ये जीत आपकी पहली जीत है कि और भी आप? नहीं, ऐसे हम लोग बहुत मैच जीत चुके हैं। हाँ। और बहुत सी फाइनल भी जीत चुके हैं इससे पहले और आगे भी बहुत सी फाइनल जीतेंगे। आपका कोच कौन है और कौन कोचिंग कर रहा है आपको? कोच नहीं, हमारे टीम के कप्तान बबलू भैया, राजा भैया, गब्बर कृष्णा भैया, सभी मिलजुल के सबका बराबर योगदान रहता है, अपना प्रदर्शन करते हैं और अच्छा खेलते हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।